हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पेंसिल को शार्प कैसे करते हैं ड्राइंग के लिए वो सीखेंगे। इसके लिए हम पेंसिल और कटर लेंगे, फिर पेंसिल पे हम कटर की सहायता से मार्क कर देंगे जितनी हम पेंसिल छीलना चाहते हैं। जब हम पेंसिल को कटर के साथ छीलते हैं तो बड़ी ही सावधानी हमें रखनी चाहिए। हमें पेंसिल को कटर के साथ क्यों छीलना चाहिए? क्योंकि शार्पनर के साथ हमें बार बार पेंसिल को शार्प करना पड़ता है और कटर के साथ हमें उसे बार बार नहीं छीलना पड़ता है। हमें पेंसिल को अपनी आवश्यकता अनुसार इसको शार्प कर लेना है। एक अच्छी ड्राइंग करने के लिए पेंसिल का शार्प करने का तरीका भी हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। हमारी पेंसिल जितनी अच्छी तरह से शार्प होगी, हमारी पेंटिंग, स्केचिंग, जो भी हम ड्रॉ करना चाहते हैं वो हम अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये पेंसिल देखो हमारी कितनी अच्छी तरह से शार्प हो गई है। इसको हम और फिनिशिंग करेंगे। इसको और भी स्मूथ बनाने के लिए हम एक पेज लेंगे और उसके ऊपर इसको हम चला के देखेंगे जितना हम शार्प करना चाहते हैं।